हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की कॉमिक जलियांवाला, जो कि टॉर्चर का अगला भाग है। संजय गुप्ता पेश करते हैं जलियांवाला। लेखक तरुण कुमार वाई, सहयोग विवेक मोहन, चित्रांकन मनु सुलेख एवं रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। कुख्यात माफिया डॉन दादा एसएचओ मुख्यालय हरी बापू और डोगा के बीच जारी थी अहिंसा और हिंसा की लड़ाई। इस लड़ाई में कभी हिंसा का पलड़ा भारी हो रहा था तो कभी अहिंसा का, और आज हरी बापू के नेतृत्व में अहिंसकों की टोली डोगा को टॉर्चर रूम से ले भागी थी। इधर एसएचओ मुख्यालय, हेलो दादा, तुम कहाँ हो? मैं जहाँ अभी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी सुनाओ। तुम्हारे जाने के बाद कमिश्नर आदम का था, बड़ी मुश्किल से यह कहकर मैंने उससे अपनी जान छुड़ाई कि डोगा तो मैं मारने आया था, और तब हमने उस पर उसे घेर लिया था। लेकिन हरी बाबू को पता नहीं कैसे ये पता चला चल गई, और वो लोग डोगा को उसकी हिंसा की सजा देने के लिए उठाकर ले गए। इसी हबड़ा तबड़ी में तुम भी भाग गए। मेरी इस कहानी के आधार पर मुझे हरी बाबू और अहिंसकों की गिरफ्तारी के वारंट मिल गए हैं, और मैं पूरे शहर में पहले अहिंसा के कार्यालयों से अहिंसकों को गिरफ्तार करने निकल ही रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। तो फिर एक काम करो। कौन सा काम? वह काम जो तुम करने जा रहे हो उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं अहिंसा के हर ठिकाने की टॉर्चर रूम जान दू मैं अहिंसा के हर ठिकाने को टॉर्चर रूम बना दूंगा। डोगा और हरी बापू तक जल्दी जल्द पहुंचने के लिए मुझे अपने ही तरीके इस्तेमाल करने होंगे। मुंकाले और दादा के हर षड्यंत्र से बेखबर था हरी बापू। डोगा पर बेइंतहा जुल्म किया गया है। अगर हम इसे यहां ना लाए ले आते तो निश्चित रूप से वो लोग डोगा को मार देते। अब हम कब से इसके होश में आने की राह देख रहे हैं, ताकि होश में आकर ये यहाँ से चला जाए तो हम अपनी गिरफ्तारियां दे सकें। क्योंकि डोगा को जेल से निकालकर हमने जो गुनाह किया है उसकी सजा भुगतने के लिए हमें जेलें भर नहीं होंगी, इसलिए मैंने तुम सबको भी यहाँ से जाने नहीं दिया है। हरी बापू, क्यों ना हम डोगा को उसके परिवार के सुपुर्द कर दें? जरूर कर देते, जबकि हमें पता होता कि डोगा कौन है और उसका परिवार कहाँ है। अगर हम डोगा का मास्क उतार कर उसका असली चेहरा अखबारों में छपा देंगे तो उसके परिवार वाले खुद उसे ढूंढ लेंगे। तुम मुझे एक और गुनाह का भागीदार बना रहे हो शरद। अगर ऐसा हो गया तो ये डोगा की हत्या होगी। हम डोगा का इतिहास नहीं जानते। हम नहीं जानते कि इस मास्क को धारण करने के पीछे डोगा की क्या भावना रही है। इसका मास्क उतारते ही हम इस आदमी की इच्छा के विरुद्ध जान जाएंगे कि डोगा कौन है, और किसी की इच्छा के विरुद्ध किया गया कोई भी काम हिंसा ही होती है। यह ठीक ऐसे ही होगा जैसे कि अहिंसा के एक एक अनुयायी के हाथ में उसकी इच्छा के विरुद्ध बंदूक थमा दी जाए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते शरद। हमें इसके होश में आने का इंतजार करना होगा। हरी बापू तो इंतजार कर सकता था, मगर अब दादा के पास इंतजार करने का वक्त नहीं था। पकड़ लो इन्हें। बताओ, हमें हरी बापू कहाँ मिल सकता है? हाथ में बंदूक लेकर हरी बापू का पता नहीं पूछा जाता? दादा जब कुछ पूछता है तो उसे जवाब गोली चलने से पहले देना है, होता है। तुम बताओ, हरी बापू को पता चाहिए तो इस चरखे को चलाकर इससे पूछो। अपने खून पसीने से बुन गया एक एक धागा तुम्हें हरी बापू का पता दे देगा। दादा के हाथ सिर्फ गोली चलाते हैं। अपने साथियों का अंजाम देख लिया तूने? तेरी जुबान से पता लगाने के लिए, पता बताने के लिए खुलनी चाहिए। मत भूलो दादा कि भगत सिंह आज भी पैदा होते हैं, चूं, और हमारे रूप में पैदा होते हैं। हरी बापू को दहला दिया था उस खबर ने। सिटी क्राइम, दादा को खत्म करने आया डोगा गिरफ्तार, डोगा के हिंसा के विरोध में अहिंसकों द्वारा डोगा का अपहरण। नहीं, दादा जरूर हमारा पता लगाने की कोशिश कर रहा है। एसएचओ मुंकाले उसका साथ दे रहा है। उफ, कब आएगा डोगा को होश ताकि मैं उनकी तलाश को खत्म कर सकूं। परेशान था हरी बापू, परेशान थी मोनिका भी। नहीं, मैं इसे नहीं मानती। डोगा को उसकी मर्जी के बिना छू पाना भी मुश्किल है। उस जिंदा बारूद को बोलो कैसे ले उड़े जो खुद अहिंसा के पुजारी हैं। इस घटना की तह में मुझे जाना ही होगा। कई सामाजिक संस्थाओं के अलावा मैं अहिंसा की महिला शाखा से भी जुड़ी हुई हूँ। मुझे उसी शाखा में पहुंचकर अपनी जिज्ञासाओं का पता लगाना होगा, और ये संभव है अहिंसक की इस पोशाक में ही, क्योंकि शाखा का कोई भी सदस्य इस पोशाक के बिना शाखा में नहीं जा सकता। लेकिन दादा जा सकता है। बोलो, मुझे हरी बाबू का पता चाहिए। दादा अहिंसा के दूसरे ठिकाने पर पहुंच चुका था। दादा जानता था कि वह मना ही करेगा। तभी, दादा, ये लोग बहुत पक्के हैं। मौत इनके इरादे नहीं बदल सकती। इस तरह तो हम कभी हरी बापू तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंचेंगे मैक, पहुंचेंगे।
जल्द ही अहिंसा महिला शाखा, अहिंसा की महिला शाखा की महिला मौत देकर जरूर कांप जाएंगी। अंदर प्रार्थना जारी थी, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कमाल तो अब दादा करेगा, मैं जान काम शुरू करो। हिंसा व दरिंदगी की शायद इंतहा थी ये। जब तक तुम्हारी जुबान हरी बापू का पता नहीं उगल देंगे, तब तक तुम सब ऐसे ही टंगी रहोगी। तो तुम सब चुप क्यों हो गई? प्रार्थना पूरी करो। रघुपति राघव राजा राम। और तभी बुरी तरह से चीख पड़ा दादा, यह धुआं कहां से आ रहा है? उफ, आग आग कैसे लग गई? शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से। ऐसे पहले कि यह आग फैल जाए, हमें यहां से निकलने के लिए गिराना होगा दीवार को। बूम, भागो। लेकिन उन लड़कियों का क्या होगा दादा? उन्हें तो वैसे भी मरना ही था। वहां लगी उस आग से भी ज्यादा खतरनाक आग मोनिका के चेहरे पर नाच रही थी। ये आग मैंने लगाई थी। आग लगी देखकर या तो लोगों से बुझाने की कोशिश करते हैं या भागने की। मुझे पता था कि दादा दूसरा ही रास्ता अपनाएगा। मेरे पास तुम लोगों को बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जल्दी करो, निकलो यहाँ से। दादा का काल उसके सिर पर मंडरा रहा है और उसे सिर्फ डोगा खत्म कर सकता है जो कि हरी बाबू के पास है। मुझे वहां ले चलो, वरना दादा का जुनून नहीं सको ने इसको नाबूद कर देगा। पल पल की खबर स्टार न्यूज पर मिल रही थी हरी बाबू को। उफ नहीं, ये नहीं हो सकता। हिंसा की इंतहा कर दी दादा ने, अहिंसकों को फांसी दे दी। हमारी महिला शाखा में आग भी उसी ने लगाई होगी। लेकिन देश का कानून सो गया लगता है, मगर नहीं, हरी बापू जाग रहा है। दादा को हरी बापू चाहिए। हरी बापू दादा को जल्द ही मिलेगा ताकि वो यह हिंसा रोक दे। हरी बापू के कदम तेजी से बाहर जाने को आगे बढ़े, लेकिन बाहर निकलते ही ये सब क्या है? आप अकेले नहीं जाएंगे हरी बापू, हम भी आपके साथ चलेंगे। दादा की गोलियां पहले हमारे सीनों को फाड़ेंगी, उसके बाद उन्हें आपका सीना मिलेगा। इनका कहना मान लीजिए हरी बापू, अपने आप को मौत के मुंह में सुपुर्द करना भी तो खुद पर हिंसा है। क्या आप खुद को दादा नाम की हिंसा की आग पर झोंक देंगे? नहीं हरी बापू, इस आग को बुझाना होगा और यह काम डोगा कर सकता है। डोगा दादा नाम की आग के लिए फायर एक्सटिंग्विशर है और डोगा आपके पास है। बताइए हरी बापू, डोगा कहाँ है? लेकिन डोगा दादा को मारेगा तो यह हिंसा होगी और हिंसा मेरे उसूलों के खिलाफ है। जंगल में कोई शेर नरभक्षी हो जाता है तो उसे मार देने का नियम है। शहर में कोई कुत्ता पागल हो जाए तो उसे मार दिए जाने का नियम है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जारी रहेगी उनकी हिंसा। हाँ हरी बापू, दादा अगर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके आगे करना बेवकूफी है, क्योंकि आप जितनी बार गाल उसके आगे करेंगे वो उतना ही थप्पड़ मारेगा। तुम डोगा से मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवा दूंगा मोनिका, लेकिन हिंसा ना करने की जो सौगंध हमने खाई है उसे हम में से कोई भी नहीं टूटने देगा। आओ मेरे साथ। वो रहा डोगा। पुलिस की यह कहानी बिल्कुल झूठी है कि हम डोगा को उसकी हिंसा की सजा देने के लिए उठा कर लाएं। हम इसे पुलिस और दादा की थर्ड डिग्री से बचा कर लाएं। डोगा का हाल देखकर तड़प उठी मोनिका। क्या हाल कर दिया है तरिंदों ने तुम्हारा सूरज। इसके कपड़े किसने उतारे और इसका मास्क? इसे हम ऐसी हालत में उठाकर लाए थे और यहां भी मैंने इसके चेहरे से मास्क नहीं उतारने दिया। ये रहे इसके कपड़े और इसके हथियार। इसे उठना होगा हरी बापू, इसकी बेहोशी को जल्दी ही टूटना होगा। फिलहाल उस ट्रक ने उस इमारत का गेट तोड़ दिया था। भाव! आखिर हम उस चालाक अहिंसक लड़की का पीछा करते हुए यहाँ आ गए जिसने शाखा की महिलाओं को बचाने के लिए आग लगाने की चाल चली थी और जिसे मैं भी समझ गया था। इसलिए फौरन वहां से जाने का नाटक किया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अभी ये लोग यहाँ से निकल कर सीधे हरी बापू के इस गुप्त हेडक्वार्टर पर ही जाएंगे। दादा के आगमन की खबर हरी बाबू के कानों में सीटियां सी बजाती चली गई। आने दो उसे, मगर वो मेरे जीते जी डोगा तक नहीं पहुंचेंगे। इस नरसंहार को रोकना होगा। आज हम तैयार करेंगे डोगा को। डोगा उठना होगा तुम्हें, अहिंसा की रक्षा के लिए उठना होगा तुम्हें। एक और गांधी को एक और हत्यारी की हिंसा की गोलियों से बचाने के लिए उठना होगा तुम्हें। जुल्मों के खिलाफ ये पट्टा धारण किया है तुमने, अपने बंधन की वफादारी की मिसाल के लिए उठना होगा तुम्हें। डोगा के अस्तित्व की रक्षा के लिए उठना होगा तुम्हें डोगा। उसी समय बाहर से ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाजों ने जैसे बहरा कर दिया था मोनिका के कानों को। बाहर दादा के खूनी अटास बहरा किए दे रहे थे। आओ ओ आओ, मैं जानता हूं कि हरी बापू तक पहुंचने के लिए मुझे ये दीवार हटानी होगी,
इस जगह को बनाना ही होगा एक और जलिया वाला बाग। हे राम, इनकी लाशों से भर दो ये कुआं। डोगा, उठो डोगा, थाम लो ये हथियार। अगर आज तुम वक्त रहते नहीं उठे और फिर उठे तो अपनी मोनिका की लाश देखोगी। डोगा, उठो डोगा, उठो उठो उठो। दहाड़ उठी थी मोनिका, हरी बापू की दहाड़ से सहम गई थी जैसे फिजा। ठहर जा दरिंदे, रुक जा, बंद कर दे इस खून की होली को खेलना। हरी बापू, आखिर तू सामने आ गया, तो फिर देर क्यों कर रहा है दादा, चला गोली। तेरे खून की प्यास मेरे खून से बुझती है तो बुझा ले अपनी प्यास। ऐसे नहीं हरी बापू, तुझे गोली मारकर इतनी आसानी से मार दिया तो तेरी जिंदगी के क्लाइमैक्स में कोई रोमांच नहीं आएगा। पकड़ लो इसे। हे राम, खच था। बहुत अहिंसा हिंसा का शोर मचाता है, तुझे तो मैं तड़पने के लिए छोड़ूंगा, तेरी जान तड़प तड़प कर निकलेगी। अब तू जब तक जिंदा रहेगा खूब तड़पेगा और मुझे नहीं भूलेगा हरी बाबू। चलो डोगा अंदर ही होगा, वो छोकरी भी अभी तक कहीं दिखाई नहीं दी। तोड़ दो दरवाजा। फाक, डोगा तो चरखा, डोगा को चरखा काटते देखकर चौंक गया ना दादा। पूछेगा नहीं कि क्या काट रहा हूं मैं इस चरखे पर। तू भले ही ना पूछे दादा, लेकिन मैं तुझे फिर भी बता देता हूं, इस पर मैं तुम सबके कफन के लिए सूत कात रहा हूं। लेकिन कफन जिंदा लोगों को नहीं पहनाया जाता, इसके लिए तुम सबकी मौत जरूरी है। जिंक जिंक जिंक, आ ओ, क्लिक क्लिक, हा 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 हा। डोगा, तेरे गोलियों के साथ ही खत्म हो गया तेरा खेल भी। मगर इससे पहले कि दादा की दोनों तलवारें डोगा पर चलती, खचाक, ए राम, हरी बापू, हरी बापू, ये क्या किया हरी बापू? मेरे लिए अपने बाजू कुर्बान कर दिए। इन बाजियों को तो सारे समाज को जरूरत थी, कट जाने दी होती मेरी बाजुएं। डोगा की बाजुओं को भी तो समाज की जरूरत है। डोगा, चाहो डोगा, उसे बचा लो उस नरभक्षी से। दादा के चेहरे के चप्पे चप्पे पर हिंसकता का राज था। डोगा को भी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ से जाने के लिए तेरी जरूरत पड़ेगी। उस ट्रक की भी उसे जरूरत थी, लेकिन अरे इसके टायर पंचर किसने किए? उसी ने, जो अब तेरी जिंदगी को भी पंचर कर देगा दादा। ठाक, वो देख दादा, तूने अहिंसा के इस पवित्र मंदिर को हिंसा के खून से रंग कर इस जगह को दूसरा जलिया वाला बना दिया है। ता, अंग्रेज जनरल डायल की किस्मत अच्छी थी जो उस वक्त डोगा वहां मौजूद नहीं था, पर तेरी खराब, क्योंकि आज डोगा मौजूद है। शहीदों की चिताएं जलने से पहले तेरी लाश को कुत्तों से नचवाऊंगा दादा। आज तेरे साथ साथ तेरी हिंसा भी खत्म होगी। अहिंसा और शांति के सफेद परचम को प्रणाम करता है डोगा। अगर सभी इंसान इसके आगे सिर झुका दें, तो डोगा अपने हथियारों को जलाकर खाक कर डालेगा। हे राम, ऐसा हो, ऐसा हो। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स आज मत जा में। तब तक के लिए धन्यवाद।